हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कंटिन्यू करते हैं सोयल साइंस को। अगर किसी बच्चे ने सोयल साइंस के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर वो जाके देखें। ठीक है, सोयल साइंस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। सभी वीडियो को देखने के बाद ही आप आगे बढ़िए, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो में हमने रॉक मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलिकेट क्ले मिनरल। जब हमने मिनरल को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था जो सिलिका होता है वो लगभग लगभग सभी मिनरल में पाया जाता है। ठीक है, सिलिका मैंने बताया था, उसका फार्मूला होता है SiO2, उसी को हम डिस्कस करेंगे, सिलिकेट क्ले मिनरल। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था इसके चार टाइप होते हैं, ऑर्थो सिलिकेट, आइनो सिलिकेट, टेक्टो सिलिकेट एंड फाइनो सिलिकेट। ये चार टाइप मैंने आपको बताया था वहाँ पर। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलिकेट क्ले मिनरल, सिलिकेट क्ले मिनरल के फोर टाइप है। कितने टाइप से? फोर टाइप से। ऊपर हेडिंग डाल लेना आप, सिलिकेट क्ले मिनरल। पहला टाइप है इसका ऑर्थो सिलिकेट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सिलिकेट। ठीक है, ये एकदम अंगूठी जैसा दिखता है। इसको आप जब नेट पर सर्च करोगे तो ये अंगूठी जैसा दिखता है, चमकदार होता है। इसको हम नियो सिलिकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड नियो सिलिकेट। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिलिकेट क्ले मिनरल्स को हम पढ़ रहे हैं, उसके चार टाइप है। पहला टाइप है हमारा ऑर्थो सिलिकेट, जिसको हम नियो सिलिकेट भी बोलते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है जिरकोन। जिरकोन को आप जब नेट पे सर्च करोगे तो एकदम आपको कलरफुल दिखेगा। कैसा दिखेगा? कलरफुल दिखेगा। ठीक है, आप नेट पर सर्च करके इसको देखिएगा। सेकेंड हम पढ़ते हैं आइनो सिलिकेट। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो फाइलो सिलिकेट है, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, सेकेंड है हमारा आइनो सिलिकेट। आइनो सिलिकेट की बात करें तो इसका एग्जांपल है हमारा पाइरोक्सिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। गूगल पर आप जब सर्च करेंगे तो आपको सारी इमेजेस दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें थर्ड नंबर पर, एक होता है टेक्टो सिलिकेट। टेक्टो सिलिकेट, ठीक है, ये जो टेक्टो सिलिकेट होता है इसका एग्जांपल है ल्यूसाइट। ठीक है, LUCIT। अब फोर्थ नंबर जो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फाइलो सिलिकेट, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सिलिकेट क्ले मिनरल के चार टाइप है, ऑर्थो सिलिकेट, आइनो सिलिकेट, टेक्टो सिलिकेट एंड फाइलो सिलिकेट। फोर्थ नंबर पर है फाइलो सिलिकेट, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फाइलो सिलिकेट। ठीक है, अभी जो फाइलो सिलिकेट, इसमें जो वर्ड फाइलो है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड। ये जो फाइलो है ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड है फुलन। ग्रीक वर्ड है फुलन। ठीक है, फुलन से लिया गया है फाइलो। और ये फुलन का मतलब क्या होता है? फुलन का मतलब होता है लीफ लाइक, पत्तियों जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक। ठीक है, लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, पत्तियों जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। फाइलो सिलिकेट में जो फाइलो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फुलन से लिया गया है, फुलन का मतलब होता है लीफ लाइक। ठीक है, अब ये जो फुलर वर्ड है ये दो कंपाउंड से मिलकर बना है, ये जो है दो कंपाउंड से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें एक शीट तो होती है सिलिका की, एक शीट किसकी होती है? एक शीट होती है इसकी सिलिका की, और एक सीट यहाँ पर होती है एल्यूमिनियम की या फिर मैग्नीशियम की। ठीक है, यहाँ पर एक सीट होती है एल्यूमिनियम की या फिर एक सीट होती है मैग्नीशियम की। ये जो फुलन वर्ड है दो कंपाउंड से मिलकर बना है, एक होता है सिलिका, सिलिका शीट होती है, एक में होती है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम शीट। ठीक है, ये जो सिलिका शीट होती है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका आप जब डायग्राम देखोगे तो टेट्राहेड्रल आपको दिखेगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है। और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की जो शीट होती है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है? ये सिलिका आपका बीच में रहता है। ठीक है, इसके आसपास चार ऑक्सीजन एटम आयन रहते हैं। ठीक है, इसके आसपास चार ऑक्सीजन एटम आयन रहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर आप नेट पर देखोगे तो आगे एकदम आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, बीच में आपका सिलिका रहता है और सिलिका के आसपास चार ऑक्सीजन आयन यहाँ पर रहते हैं। कितने रहते हैं? फोर ऑक्सीजन आयन यहाँ पर रहते हैं,
ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो यहाँ पर बीच में तो रहता है एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम, और आसपास रहते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, आसपास यहाँ पर रहेंगे 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है इसका मतलब 8 मत कर देना, यहाँ पर कितना रहेंगे, यहाँ पर 6 रहेंगे, 6 ऑक्सीजन आयन रहेंगे, 6 ऑक्सीजन आयन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इसके जो एल्यूमिनियम के सराउंडिंग में यहाँ पर 6 ऑक्सीजन आयन रहेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एल्यूमिनियम फिर मैग्नीशियम के सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन आयन होते हैं, 6 ऑक्सीजन आयन उसके अंदर होते हैं सराउंडिंग में। ठीक है, और सिलिका की बात करें तो सिलिका के आसपास होते हैं 4 ऑक्सीजन आयन। अभी जो फाइलोसिलिकेट की हम बात कर रहे थे, इसके हम टाइप्स अब देखेंगे। टाइप्स ऑफ फाइलोसिलिकेट, इसके 3 टाइप होते हैं, फाइलोसिलिकेट के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऑफ फाइलोसिलिकेट, ये जो फाइलोसिलिकेट है इसके 3 टाइप है। पहला है आपका 1:1 सिलिकेट क्ले मिनरल, ठीक है, दूसरा है आपका 2:1 सिलिकेट क्ले मिनरल, और थर्ड नंबर पे है 2:1:1, ठीक है, सिलिकेट क्ले मिनरल, इसको हम 2:2 भी बोलते हैं, इसको हम 2:2 सिलिकेट क्ले मिनरल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे 1:1 सिलिकेट क्ले मिनरल को। ये टाइप्स है फाइलोसिलिकेट के। ठीक है, फाइलोसिलिकेट जो हम पढ़ रहे हैं 4th नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाला हम डिस्कस कर लेते हैं 1:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल। ठीक है, या 1:1 सिलिकेट क्ले मिनरल। अब यहाँ पर 1:1 क्यों लिखा गया है, 1:1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक लेयर टेट्राहेड्रल की होती है, यानी एक शीट जो होती है वो टेट्राहेड्रल शीट होती है, और एक शीट यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या मीनिंग है 1:1 का, यहाँ पर एक शीट आपकी होती है टेट्राहेड्रल की, एक शीट यहाँ पर टेट्राहेड्रल होती है, और एक शीट यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एक शीट यहाँ पर टेट्राहेड्रल होती है और एक शीट यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल सिलिका शीट, टेट्राहेड्रल सिलिका शीट। जो टेट्राहेड्रल है अभी मैंने बताया था, सिलिका का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर रहता है वो किसका होता है, वो होता है एल्यूमिनियम का या फिर मैग्नीशियम का। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एल्यूमिनियम शीट, ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, तो 1:1 टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पर एक शीट टेट्राहेड्रल की होगी, एक शीट टेट्राहेड्रल सिलिका शीट की होगी, और एक शीट यहाँ पर होगी ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम की। ठीक है, यहाँ पर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इसका एग्जांपल होगा केओलिनाइट, केओलिनाइट। ठीक है, KAOLINIT केओलिनाइट इसका एग्जांपल होगा। अभी जो केओलिनाइट है ये काफ़ी पाया जाता है रेड सॉइल में, ये रिच होता है रेड सॉइल में, रिच इन रेड सॉइल, रेड सॉइल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, रिच इन रेड सॉइल, जो लाल मिट्टी होती है रेड सॉइल होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये जो केओलिनाइट मिनरल है इसकी फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाइएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी, इसकी फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये पाया जाता है रेड सॉइल में, लाल मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो रेड सॉइल होती है उसके भी फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि रेड सॉइल में क्या पाया जाता है, रेड सॉइल में पाया जाता है केओलिनाइट। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी 1:1 सिलिकेट क्ले मिनरल की। अब डिस्कस करते हैं 2:1 सिलिकेट क्ले मिनरल। टू इज टू वन टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको 2:1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 शीट जो होगी वो टेट्राहेड्रल की होगी और एक शीट यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की होगी, यहाँ पर 2 शीट टेट्राहेड्रल की होगी, टेट्राहेड्रल सिलिका शीट, सिलिका का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है इसलिए हम टेट्राहेड्रल के आगे लिखते हैं सिलिका शीट। ठीक है,
दो तो यहाँ पर होगी टेट्राहेड्रल की, टेट्राहेड्रल सिलिका शीट, और एक यहाँ पर होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम शीट, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो शेप और स्ट्रक्चर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है या फिर मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। यहाँ पर होगी ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। दो दो जो होगी वहाँ पर, दो जो शीट होगी वो टेट्राहेड्रल की होगी और एक शीट यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की होगी, ठीक है। यहाँ पर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इसका एग्जांपल होगा स्मेक्टाइट ग्रुप, SMECTITE, स्मेक्टाइट ग्रुप, ठीक है। स्मेक्टाइट ग्रुप इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये जो स्मेक्टाइट ग्रुप है इसके अंदर भी तीन आते हैं, एक तो आपका आता है एक्सपांडिंग टाइप, एक्सपांडिंग टाइप, एक होता है लिमिटेड एक्सपांडिंग, एक होता है नॉन एक्सपांडिंग, जो बिल्कुल भी एक्सपांड नहीं करता, नॉन एक्सपांडिंग, ठीक है। एक्सपांडिंग का मतलब क्या होता है, ये फैलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं। जैसे हम बात करें मॉन्ट मोरिलोनाइट, ये जो मिनरल है मॉन्ट मोरिलोनाइट, ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट, ये जो मॉन्ट मोरिलोनाइट है ये एक्सपांडिंग टाइप में आता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है। और ये जो मॉन्ट मोरिलोनाइट है ये किस में पाया जाता है, ये ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, ब्लैक सॉइल में काफ़ी ये पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो ब्लैक सॉइल होती है उस पर जब हम पानी डालते हैं तो वो क्या होती है, वो फूल जाती है, वो स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर। ब्लैक सॉइल का एक फीचर है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, जब हम उसमें पानी डालेंगे तो वो स्वेलिंग हो जाती है, उसको फूल जाती है, और जब उस पर से हम पानी हटा देंगे तो वो सिकुड़ जाती है, उसको एकदम फटने जैसी हो जाती है, वो फट जाती है पूरी, ठीक है। ये जो मॉन्ट मोरिलोनाइट है ये पाया जाता है मोस्टली ब्लैक सॉइल में ही पाया जाता है, ठीक है, ये मोस्टली ब्लैक सॉइल में ही पाया जाता है। वो ब्लैक सॉइल का एक फीचर है, क्या फीचर है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ये फीचर ब्लैक सॉइल में क्यों आता है, क्योंकि इसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट पाया जाता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट की वजह से इसमें एक फीचर आता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, यानी पानी हम डालेंगे तो एकदम फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी इसके अंदर, ये जो सॉइल होती है एकदम फूल जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें पानी हटा देंगे तो एकदम श्रिंकेज हो जाए, सिकुड़ जाएगी एकदम, ठीक है। कई बार वो फट भी जाती है, फटने से उसमें क्रैक आ जाते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर। और ये ब्लैक सॉइल कहाँ पर जाती है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एमपी वाला रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। और एमपी में भी हम बात करें तो हमारा जो मालवा वाला रीजन है, एमपी में जो मालवा रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर जो सोयाबीन है उसका कल्टिवेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि सोयाबीन के लिए जो सॉइल उत्तम मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है, वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ये तो हम चले गए एग्रोनॉमी में, वापस आते हैं सॉइल साइंस में। यहाँ पर हमने बात करी एक्सपांडेड टाइप की, एक्सपांडेड टाइप का जो एग्जांपल है वो है मॉन्ट मोरिलोनाइट। लिमिटेड की बात करें, ये एक्सपांड तो होते हैं लेकिन एक लिमिट तक ही एक्सपांड होते हैं, ज़्यादा एक्सपांड नहीं होते। यहाँ पर इसका एग्जांपल हो जाएगा वर्मिकुलाइट, वर्मी VER वर्मिकुलाइट, ठीक है, VERMICULIT वर्मिकुलाइट यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ये जो वर्मिकुलाइट होता है इसमें नेगेटिव आयंस काफ़ी हाई होते हैं, हाई नेगेटिव आयंस, इसमें जो नेगेटिव आयंस है वो काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। तो वर्मिकुलाइट में क्या होता है, नेगेटिव आयंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। और ऐसा मिनरल जिसके नेगेटिव आयन ज़्यादा है उसकी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो प्लस आयन से काफ़ी जल्दी एक्सचेंज करेगा, इसकी जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम टोटल अवर मिनरल्स की बात करें, सभी मिनरल्स की बात करें, सभी मिनरल्स में जो वर्मिकुलाइट है उसकी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव आयंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसमें भी नेगेटिव आयंस ज़्यादा होंगे उसमें केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, हमारी जो सॉइल होती है उसमें कुछ केटायंस पाए जाते हैं, कुछ एनायंस पाए जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, वो दूसरे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जितनी ज़्यादा उसमें नेगेटिव आयंस होंगे उतनी ज़्यादा वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मतलब केटायन एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा उसमें नेगेटिव आयंस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी केटायन को एक्सचेंज करने की। वर्मिकुलाइट में नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं इसीलिए इसकी जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, हाईएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, हाईएस्ट केटायन। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं मिनरल्स की, हाई ओवरऑल बात अलग होगी, ठीक है। ये मिनरल्स में हम बात कर रहे हैं, मिनरल्स पर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो वर्मिकुलाइट की होती है, हाईएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी,
हाइएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मिनरल्स में किसकी होती है? वो होती है वर्मिकुलाइट की, ठीक है। ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है ऑर्गेनिक मैटर की या फिर ह्यूमस की, सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, लेकिन मिनरल्स में सबसे ज़्यादा होती है वर्मिकुलाइट की, ठीक है। एक हमारा नॉन एक्सपांडिंग टाइप, नॉन एक्सपांडिंग टाइप का एग्जांपल है ईलाइट। यहाँ पर नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। नॉन एक्सपांडिंग का जो एग्जांपल है वो है ईलाइट। ये बिल्कुल भी फेंथेली है, बिल्कुल भी एक्सपांड नहीं होते, ठीक है। ILLITE ईलाइट, ईलाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये फैलते क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग की वजह से ये फैल नहीं पाते, बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग। अगर आप सब पूछे ये फैलते क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के कारण ये फैल नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी एक्सपेंडिंग टाइप की, लिमिटेड एक्सपेंडिंग और नॉन एक्सपेंडिंग टाइप की। तो ये हमारा खत्म हो जाता है 2:1 सिलिकेट क्ले मिनरल। अब डिस्कस करते हैं 2:1:1 सिलिकेट क्ले मिनरल, या उसको हम 2:2 भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2:1:1 टाइप, वापिस से पेन को क्या हो गया, 2:1:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल, ठीक है। इसको हम 2:2 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2:2 भी इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो तो सिलिका की शीट होती है, सिलिका मैंने आपको बताया था कैसे होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो दो तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और इसमें दो मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीशियम मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो दो टेट्राहेड्रल की शीट होती है, दो ऑक्टाहेड्रल की शीट होती है, यहाँ पर दो सिलिका की होगी, दो मैग्नीशियम की शीट होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है क्लोराइड, क्लोराइड CHLORITE क्लोराइड इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी एक एक्स्ट्रा मैग्नीशियम की शीट यहाँ पर डोमिनेट हो जाती है, उसके कारण से क्या होता है, क्लोराइड बाद में चेंज हो जाता है ब्रूसाइड में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे ब्रूसाइड किसके अंदर आएगा, तो वो भी 2:1:1 टाइप में ही आएगा। एक्स्ट्रा मैग्नीशियम की शीट यहाँ पर डोमिनेट हो जाती है, एक्स्ट्रा मैग्नीशियम की शीट यहाँ पर कभी कभी डोमिनेट हो जाती है, उसके कारण ये जो क्लोराइड है वो चेंज हो जाता है ब्रूसाइड में, एक्स्ट्रा मैग्नीशियम शीट यहाँ पर डोमिनेट हो जाती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये जो क्लोराइड है वो ब्रूसाइड में चेंज हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ब्रूसाइड किस में आएगा, तो वो 2:1:2 टाइप में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो गया सिलिकेट क्ले मिनरल। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी सिलिकेट क्ले मिनरल की, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी सिलिकेट क्ले मिनरल की। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में, हम उसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो अभी तक किसी बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा प्रीवियस लेक्चर वो जाके देखें, ठीक है। लिंक उसको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। सोल साइंस प्लेलिस्ट का उसको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर उसको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से वो सारे वीडियो को एक्सेस कर सकता है। वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक जरूर करेगा। इस वीडियो में ध्यान रखते, थैंक यू सो मच, हमने एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।